नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा पर्स आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसे जिसमें आप अपने मोबाइल को कैरी कर सकते हैं, तो कुछ पैसे ले जा सकते हैं या छोटी मोटी चीजों को ले जा सकते हैं। देखिए काफी स्पेस है इसमें, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने 51 नॉर्मल फंदे डाले हैं और अब हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, यानी सिंगल रिब में बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 1.5 इंच का बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें 9 नंबर की सिलाई लगाएंगे और 7 फंदा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगले 6 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 फंदा स्लिप कर 7 फंदा सीधा बुनने के बाद हम अगले 4 फंदों को आपस में ट्विस्ट करेंगे। तो ऐसे पहले दूसरे फंदे को बाईं सिलाई में ले लेंगे और तीसरे और चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। अब इसे खींचकर वापस आगे ला देंगे और इन 4 को हम सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 7 फंदा सीधा बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अगले 4 फंदों को हमें आपस में ट्विस्ट करना है। ऐसे 4 फंदों को गिरा देंगे और पहले दूसरे फंदे को हम बाईं सिलाई में ले लेंगे और तीसरे और चौथे फंदे को हम दाहिनी सिलाई में लेंगे और इसे खींचकर वापस बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे और 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एक बार फिर से देखिए, 4 फंदों को गिराएंगे, पहले 4 फंदों को गिराएंगे, पहले और दूसरे फंदे को बाईं सिलाई में ले लेंगे और तीसरे और चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और इसे खींच के वापस सामने की तरफ से ऐसे खींच के वापस बाईं सिलाई में चढ़ा लेंगे। 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। और लास्ट में 7 फंदे बचेंगे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है। ये हमारे डिजाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो पहले फंदे को हम उतार लेंगे और बाकी 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये हमने 7 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये ट्विस्ट किए हुए 4 फंदे हैं, तो उन अपनी ओर करेंगे और इन 4 को उल्टा बुन लेंगे। फिर 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और अगले ये 4 फंदे ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं, तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो 7 फंदा सीधा बुनते हुए और ट्विस्ट किए हुए 4 फंदों को उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये 2 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब तीसरी लाइन से हम दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे और 7 फंदा सीधा बुनेंगे, 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। सात फंदा सीधा बुनेंगे और ये ट्विस्ट किया हुआ चार फंदा है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। तो चार फंदा हमने स्लिप किया, अगले सात फंदे हम सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। और नेक्स्ट चार फंदा देखिए, ये ट्विस्ट किया हुआ फंदा है तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। तो इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। ट्विस्ट किए हुए फंदे को स्लिप करना है, सात फंदे को सीधा बुनना है, सात फंदे को सीधा बुनना है, और ट्विस्ट किए हुए चार फंदे इन्हें हमें स्लिप कर लेना है। तो इसी तरह करते हुए हाथ हम थोड़ा ढीला रखेंगे, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में भी सात फंदे आएंगे तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप करेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। पांचवी लाइन में हम फिर अपने प्राइमरी कलर से सात फंदा सीधा बुनेंगे। इन चार फंदों को हम ट्विस्ट कर लेंगे। चार फंदों को गिराएंगे, पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे, पीछे वाले दो फंदों को खींचेंगे और इन्हें वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे, यानी हमारा पहला लाइन। फिर अगले सात फंदे सीधे। अब ये नेक्स्ट चार फंदे हैं तो इन्हें हम गिराएंगे, पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे और तीसरे और चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में लेंगे और खींच के वापस इसे बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे, यानी हमने चारों फंदों को ट्विस्ट कर लिया। अब इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं तो सात फंदे हम सीधा बुनेंगे। पहला फंदा चाहे तो उतार लें या फिर सीधा बुने, और अगले छह फंदे सीधे, और फिर ये ट्विस्ट किए हुए चार फंदे इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, यानी हम अपना दूसरा लाइन रिपीट करेंगे। तो सात फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सातवीं लाइन में फिर हम अपना सेकेंडरी कलर लेंगे, सात फंदा सीधा बुनेंगे और ये हमारे ट्विस्ट किए हुए चार फंदे तो इन्हें हम स्लिप कर लेंगे। और इन्हीं 11 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे, सात फंदा सीधा और चार फंदा स्लिप कर लेंगे। लास्ट में सात फंदा बचेगा जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह हमारा सातवां लाइन कंप्लीट होता है। आठवें लाइन में हम बुने हुए फंदे सीधे बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, शेष छह फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, चार फंदा स्लिप करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सात फंदा सीधा।
तो बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चार लाइन का रिपीटेड डिजाइन है और इन्हीं चारों लाइनों को दोहराते हुए हम 12 इंच तक कंप्लीट कर लेंगे। तो 12 इंच कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 12 इंच हो गया है। हम इस बात का ध्यान देंगे कि लास्ट लाइन जो है हमारा, वो हमारे बॉर्डर के रंग का होना चाहिए। देखिए, ये हमारा लास्ट लाइन बॉर्डर के रंग का है। तो अब हम इसके ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। अब इस धागे का कोई काम नहीं है तो इसे हम काट देंगे और फिर 10 नंबर की सिलाई से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, यानी सिंगल रिब में हम बॉर्डर बनाएंगे। नीचे वाले बॉर्डर के बराबर। तो जब तक मैं इस बॉर्डर के बराबर बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बॉर्डर भी 1.5 इंच का हो गया है। तो अब हम इसे क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के लिए हमें एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा है, उसे उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे। इसी तरह करते हुए सारे फंदे हम उतार लेंगे। तो सभी फंदे उतार के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदे उतार। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर को हम छोड़ देंगे और नीचे का जो पोर्शन है, देखिए ऐसे मिलाते हुए हम सिलना शुरू कर देंगे। और अब हम इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दोनों तरफ सिलाई हो चुका है। बाहर निकले हुए सभी धागों को हम अंदर की तरफ कर लेंगे। अब हम लंबा धागा लेंगे और उसको, ये हमारा देखिए इस तरफ जा रहा है, तो इसी तरफ हम ऐसे इसको घुमाएंगे और फिर इसको, और फिर अब इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। छोड़ दीजिए, ये अपने आप ही घूम के देखिए लिपट जाएगा। अब फिर वापस हम देखिए इसको जिस तरफ ये घुमा हुआ है उसी तरफ और ऐसे घुमाएंगे। और फिर इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा अच्छा सा रस्सी बनके तैयार हो गया है। तो देखिए, मैंने इसी तरह ये रस्सी तैयार कर लिया है और अब हम इसको, इन रस्सियों को इस पर्स में लगाएंगे। तो अब क्रोशिये की सहायता से हम इसमें इसको अंदर की तरफ कर देंगे और इसमें गांठ लगा देंगे। एक बार लगाया, एक बार और लगा देंगे और फिर इसको हम सुई से फिक्स कर देंगे। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी ऐसे ही, यहाँ पे मैं बटन होल बनाना भूल गई हूँ तो इसलिए मैं इसे इस तरह डाल लेंगे और इसे हम सुई से फिक्स कर लेंगे ताकि ये निकले ना। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
पर्स बनके तैयार है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।